नमस्कार दोस्तों, आयुष्मान खुराना एक के बाद एक शानदार फिल्में कर रहे हैं और उनकी फिल्मों के सब्जेक्ट इतने अलग हैं, इतने जुदा हैं दूसरी फिल्मों से कि ऐसा लगता है कि सारी अच्छी कहानियां अब आयुष्मान खुराना के पास ही जा रही हैं। इसकी वजह है क्योंकि वो अच्छी फिल्में चूज़ करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, उन्होंने साहस दिखाया है कि अच्छी फिल्में वो करेंगे, किसी भी तरह का रोल हो, किसी भी तरह का उनका स्टार कास्ट हो, डायरेक्टर कोई भी हो, नया डायरेक्टर हो, कहानीकार नया हो, बस कहानी उन्हें क्लिक करनी चाहिए और यही वजह है कि सारी अच्छी कहानियां उनकी तरफ जा रही हैं। देखिए, जो उन्होंने पिछले दिनों फिल्में की हैं उनमें एक ज़रा नज़र डालिए, अंधाधुंध, अंधे का रोल प्ले किया, आर्टिकल 15 एक आईपीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया, शुभ मंगल सावधान उसके बारे में आप जानते ही हैं उसमें कैसा रोल था उनका, ड्रीम गर्ल में लड़की की आवाज़ निकालने वाले लड़के का रोल अदा किया, पहली फिल्म जो उनकी बड़ी चर्चित रही थी विक्की डोनर उसमें स्पर्म डोनर का उन्होंने रोल अदा किया था, इसके अलावा बधाई हो में एक ऐसे बेटे का रोल अदा किया था जिनकी माँ 50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जोर लगा के हईशा फिल्म में वो एक मोटी लड़की के पति बने थे, बरेली की बर्फी में लूज़र बने थे, प्रेमी उनकी जो प्रेमिका थी वो खुद वो दूसरे के हवाले कर देते हैं, तो इसी तरह के रोल वो लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें इतने अच्छे अच्छे रोल अब ऑफ़र हो रहे हैं। इस सप्ताह रिलीज हुई बाला एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी है, एक गंजे युवक की कहानी है। अभी एक हफ्ता पहले उजड़ा चमन नाम से एक फ़िल्म आई थी, वो भी इसी तरह के टॉपिक पर थी, लेकिन उस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन चूँकि आयुष्मान खुराना लगातार अच्छी फिल्में दे रहे हैं उसके मुकाबले बाला की स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है। इसमें जो दो उनकी हीरोइनें हैं वो हैं भूमि पेडनेकर और यामी गौतम, इन दोनों की पहली फिल्म में आयुष्मान खुराना के ही साथ थी, ये एक इत्तेफाक ही है। इसके अलावा कहानियों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पिछले दिनों सलमान खान, अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन इन सब की फिल्में नहीं चली हैं और इन सब की फिल्में इसलिए नहीं चली हैं क्योंकि उन्होंने कहानियों का सिलेक्शन अच्छा नहीं किया। भारत, शिवाय, जीरो, मन मर्जियाँ, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में इन कलाकारों ने की और मात खाई, और यकीन मानिए कि इनकी पर्सनैलिटी को देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरह के रोल आयुष्मान खुराना कर रहे हैं इस तरह के रोल शायद ये चूज़ भी ना करें। यही वजह है कि सारी अच्छी कहानियाँ अब आयुष्मान खुराना की ओर जा रही हैं। देखिए, फिल्म की बाला की जो कहानी है वो एक गंजे युवक की कहानी है, बचपन में टीचर का मजाक उड़ाया करता था, ब्लैक बोर्ड पर बनाकर उसका चित्र के टकला है ये टीचर। इसके अलावा उनकी एक बचपन की क्लासमेट थी जो बड़ी होकर भूमि पेडनेकर बनती हैं, काले रंग की लड़की थी, उसका मजाक बनाया करता था कि मेरी तो गोरी गर्लफ्रेंड होगी। एक तरह से इस फिल्म में गंजेपन पर भी आवाज़ उठाई गई है और जो काले गोरे का भेदभाव है या जो नाटे मोटे का जो भेदभाव है हमारे समाज में, इन लोगों का जो मजाक बनाने का चलन है उस पर भी इस फिल्म में करारा व्यंग किया गया है। कहानी बहुत बढ़िया है पिक्चर की, कानपुर और लखनऊ में सेट है। एक बड़े होकर आयुष्मान खुराना जब बड़े होते हैं तो उनके बाल उड़ जाते हैं समय से पहले, अभी शादी भी नहीं हुई, एक फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग का जॉब करते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह मेरे सिर पर बाल आ जाएं, लेकिन नहीं आते। उनके परिवार वाले भी थक जाते हैं उनके इन प्रयासों से। अंत में उनके पिता उन्हें एक विग बनवा कर देते हैं और कहते हैं कि विग से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। उनकी लाइफ चेंज हो जाती है और कंपनी की लिए मॉडलिंग करने वाली एक मॉडल टिकटॉक गर्ल यामी गौतम, परीश मिश्रा उनका नाम है, वो उन पर फिदा हो जाती हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जब परी को पता लगता है कि बाला गंजा है वो उन्हें छोड़ देती है, उन पर मुकदमा करती है और धोखाधड़ी का मुकदमा कर देती हैं और मुकदमा लड़ती हैं उनकी बचपन की वो काली फ्रेंड भूमि पेडनेकर जो उनके साथ क्लास में पढ़ी थी, और इस तरह से वो इस मुकदमे को लड़ती हैं उनकी तरफ से और एक मैसेज के साथ फिल्म ख़त्म होती है। परी मिश्रा और बाल मुकुंद तिवारी यानी कि आयुष्मान खुराना और यामी गौतम अलग हो जाते हैं और एक अच्छे संदेश के साथ फिल्म ख़त्म होती है। फिल्म की सबसे बड़ी खास बात है कि इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं,
इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, चुटीले डायलॉग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे वो जब विग लगा कर आते हैं, अपने शहर में वापस आते हैं विग लगाने के बाद, तो एक डायलॉग है कि वो जोक ऑफ द टाउन से टॉक ऑफ द टाउन बन गए। इसके अलावा एक और डायलॉग है कि जब आयुष्मान खुराना यामी से मिलने के लिए खिड़की के रास्ते उनके कमरे में घुसते हैं, तो वो कहती है दरवाजे से क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कि दरवाज़ा पुरलिंग है और खिड़की स्त्रीलिंग है। और कई इस तरह की बातें हैं कि जैसे कि अपने पिता से एक डायलॉग में वो कहते हैं कि उनके राकेश रोशन गंजे थे लेकिन ऋतिक रोशन के इतने अच्छे बाल हैं, मुझे बाल क्यों नहीं, उनकी 6 उंगलियाँ कम पड़ जाती हैं। और इस तरह के कई चुटीले संवाद हैं, जैसे कि कुत्ते से जलन होना, बाल देखकर कुत्ते से भी जलन होने लगती है, इस तरह की बातें वो कहते हैं। और फिल्म मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है। और फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें तो सब कलाकार माशाल्लाह हैं, टॉप क्लास हैं। आयुष्मान खुराना तो गजब के एक्टर हैं ही। भूमि पेडनेकर ने काली लड़की का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। इंटरवल तक उनका रोल कम है लेकिन इंटरवल के बाद उनका रोल बढ़ जाता है। यामी गौतम खूबसूरत लगी हैं लेकिन थोड़ी मोटी लगी हैं, शायद ये रोल की डिमांड थी। उन्होंने कानपुर की एक लड़की का रोल अदा किया और बहुत खूबसूरती से अपने रोल को निभाया है। इसके अलावा छोटे छोटे किरदारों में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें हैं। जावेद जाफरी बहुत अच्छे कलाकार हैं और आयुष्मान खुराना के दोस्त के रूप में अमिताभ बच्चन का जो गेटअप उन्होंने भरा है वो बड़ा मज़ेदार लगता है। इसके अलावा एक छोटे से सीन में उनके भाई अपार शक्ति खुराना भी आते हैं। और इसके अलावा दीपिका चिखलिया जो रामायण सीरियल की सीता थी, वो यामी गौतम की माँ के रोल में नज़र आएंगी। सीमा पाहवा, सौरभ शुक्ला, ये लोग तो गजब कलाकार हैं ही। तो इस तरीके से फिल्म एक बढ़िया नोट पर ख़त्म होती है। एक अच्छा मैसेज भी अंत में आयुष्मान खुराना की स्पीच के माध्यम से दिया गया है। फिल्म का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, लोकेशंस ओरिजिनल हैं, कानपुर और लखनऊ में शूट की गई है फिल्म। हाँ, फिल्म में गीत संगीत उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके लिए यामी गौतम को टिकटॉक स्टार बना दिया गया है और वो बाजीगर, बेटा, राम लखन के गीतों पर डांस करती हैं। आयुष्मान खुराना के साथ भी पुराने गानों पर डांस उनका दिखाया गया है। एक पीस आता है फिल्म में, बड़ा मज़ेदार आता है जब पुराने गानों पर दोनों टिकटॉक पर डांस करते हैं। ये फिल्म दोस्तों बहुत अच्छी है, आप सह परिवार देखिए। हाउसफुल 4 जैसी बेहुदा फिल्मों के दौर में ऐसी कंटेंट बेस्ड मूवी तैयार करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। आप इस फिल्म को सह परिवार देखें और बच्चों के साथ देखें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। फिल्म को हाँ रेटिंग जरूर दूंगा, फिल्म को रेटिंग है मेरी 4 स्टार, 5 स्टार भी दे सकता था लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा सा वीक रह गया इसलिए 5 स्टार भी हो सकती थी, लेकिन ये फिल्म 5 स्टार से कम नहीं है। जाइए अपने परिवार के साथ देखिए इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बाला। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।